हेलो स्टूडेंट्स आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है इसका टाइटल है द होम कमिंग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई रचना है ये और ये रचना आपको यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है बारहवीं कक्षा के लिए अंग्रेजी का उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है शूट स्टोरी का पहला भाग इस चैनल पे मौजूद है तो अगर आप पहले उसे देख लें तो आपको इस स्टोरी को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी तो आइए शुरू करते हैं यट yes, दिस वेवी एज वेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट अंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रेकग्निशन एंड लव और फिर भी इस उम्र में उसके दिल में जो एक यंग जो लड़का है उसे पहचान चाहिए होती है उसे प्यार चाहिए होता है एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन और ऐसे समय में जो उसके उसके साथ सहानुभूति रखता है उसे चाहता है या उसकी परवाह करता है कंसीडरेशन तो वो उसका जो है एक समर्पित गुलाम बन जाता है मतलब वो उसको बहुत ही पसंद करता है बट नॉन डे आर ओपनली लव हिम फॉर दैट फूल बी रिकॉर्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस एंड देर फोर बैड फॉर द बॉय लेकिन कोई भी उसे खुले रूप से प्यार ना करे उसे खुले रूप से प्यार ना दिखाए क्योंकि ऐसा करना एक अनचाही आसक्ति होगी मतलब जो जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है जो मतलब जरूरत से ज्यादा है वो चीज़ हो जाएगी एंड देयर फॉर बैड फॉर के लिए ठीक नहीं होगी सो वॉट विद स्कॉल्डिंग एंड very ही बिकम्स वेरी मच लाइक that has डॉग दैट master और इसी तरह डांट डपटना फटकारना ऐसा करने से वो एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है जिसने अपना मालिक खो दिया है इन लास्ट दो तीन पैराग्राफ में आपने देखा कि कैसे फाटिक जब अपने मामा मामी के घर आता है उसकी उम्र चौदह साल होती है तो इन चौदह साल की उम्र में कैसे कैसे चेंजेज होते हैं यंगस्टर में और उन चेंजेस के कारण उनके व्यक्तित्व में काफ़ी बदलाव आता है उनके चेहरे पे भी काफ़ी बदलाव आता है उनके शरीर पे काफ़ी बदलाव आता है और इन बदलाव के अंतर्गत होते हुए उनका जो जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है वो बहुत शाई हो सकते हैं वो बहुत फॉरवर्ड हो सकते हैं वो बात को नहीं मानते वो बात को मानते हैं उन्हें सटिन चीज़ों की जैसे कि कंसिड्रेशन की, की ज़रूरत होती है उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को राइटर ने इन पैराग्राफ में दिखाने की कोशिश की फॉर ए बॉय ऑफ फोर्टीन इज ऑन होम इज़ दी ओनली पैराडाइज चौदह साल के एक लड़के को उसका जो घर होता है वही स्वर्ग होता है टू लिव इन स्ट्रेंज हाउस विद्रेंज पीपल इज लिटिल शूट ऑफ टू ऑर्चा और किसी ऐसे घर में रहना जो अजनबी हो और अजनबी लोगों के बीच में रहना को आप एक किस्म से अत्याचारी कह सकते हैं वाइल द हाइट ऑफ ब्लेस इज टू रिसीव दाइन लुक्स ऑफ वन एंड नैवर टू बी सलाटेड बाय दैन और जो खुशी की जो सीमा होगी वो ये होगी कि औरतों से उसे अच्छा बर्ताव मिले और उनके द्वारा उसकी उपेक्षा ना हो इट वॉज एंगविश पीड़ा टू फाटिक टू बी दी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस डिस्पाइज बाय दिस एल्डरली वन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन और ये उसके लिए बहुत ही दुख की पीड़ा की बात थी कि उसे लगता था कि वो अपनी मामी के घर में एक बिन बुलाए मेहमान हो और वो हमेशा उसको नापसंद करते थे डिस्पाइज्ड एंड स्लाइटेड उसकी उपेक्षा भी करती थी कोई भी ऐसा मौका मिले वो चूकती नहीं थी इफ़ शी एवर आस्ट हिम टू डू एनी थिंग हर और कभी कभार जब वो कहती थी कि चलो मेरे लिए ये काम कर दो ही वुड बी सो ओवर जॉयड दैट ही वुड ओवर डू इट और वो इतना खुश हो जाता था कि वो उसे जरूर से ज़्यादा कर देता था मतलब वो उतना खुश होता था कि चलो मुझे आज मामी ने शायद एक्सेप्ट कर लिया एंड देन शी वुड हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विद दिस लेसन और फिर जब वो ऐसा कर देता था मतलब ज्यादा काम कर बैठता था और गलत कर बैठता था तो वो कहती थी कि तू स्टूपिड है तू मूर्ख है और तू अपना काम कर The cramped atmosphere ऑफ neglect इन आंट्स हाउस house फॉर चेक सो मच दैट ही फेल दैट ही कुड हार्डली breathe और ये जो तंग वातावरण था ये जो अब अवहेलना थी उसकी मामी के घर में उसने फाटिक को बहुत रूप से दबा दिया था और उसे लगता था कि वो सांस से लेने में मुश्किल हो रही है मतलब इतना तंग माहौल हो गया था वहाँ पे कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल होती थी ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली उसे लगता था कि वो बाहर चला जाए जहाँ मतलब खेत खलियान हो वहाँ चला जाए और बहुत स्वतंत्रता से वो सांस ले सके बट देर वज नो ओपन कंट्री टू गो टू लेकिन ऐसा कोई एरिया वहाँ नहीं था सराउंडेड ऑन ओल्ड साइड बाई कल हाउस एंड बोल्स और चारों तरफ वो कलकत्ता के जो घर थे और जो दीवारें थी उससे घिरा हुआ था ही वो ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ इज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक तेर और उसके बाद क्या था कि वो सपने देखता था हर रात कि कैसे वो अपने घर वापस जा रहा है और उसकी उसकी इच्छा यही हो गई थी कि अब मैसे जो, जो है वापस चला रहे हैं ही रिमेंबर द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज टू फ्लाई स्काइट ओल्ड ए लॉन्ग वो उन शानदार ग्लोरियस मीडो जो चरने वाले जो खेत होते हैं उन खेतों को याद करता था जहाँ पे वो सारे दिन पतंग उड़ाता था द ब्रोड रिवर बैंक वो चौड़ी नदी का किनारा वेयर ही वुड वंडर अबाव द लाइफ लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय जहाँ वो सारे दिन गाते हुए और खुशी से चिल्लाते हुए व्यतीत करता था द नेहरो ब्रुक वो पतली सी नदी वेर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइट जहाँ पे वो कभी भी जाके छलांग मार सकता था तैराकी कर सकता था जब भी उसका मन करे ही थॉट ऑफ हिस बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर होम ही वॉज डे और वो उन लड़कों के झुंड को याद करता था जिसका कि वो शासक था जहाँ का मतलब वो रिंग लीडर था एंड एवोल और इस सबसे ऊपर द मेमरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज हु हैड सच ए प्रेजिडेंस अगेंस्ट हिम ऑक्युपाई हिम डे एंड नाइट और इन सबसे ऊपर वो अपनी उस अत्याचारी माँ को याद करता था जो उसके प्रति हमेशा पूर्वाग्रह रखती थी और ये जो चीज़ें हैं उसे रात दिन याद आती थी अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स ये उस जानवर के शारीरिक प्रेम की तरह था जो जानवर एक दूसरे से रखते हैं मतलब जो झुंड होते हैं उनके जैसे गाय के झुंड होते हैं बैलों के झुंड होते हैं शेरों के झुंड होते हैं तो एक झुंड में जो रहने की तमन्ना है अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड उन लोगों के साथ रहने की लॉन्गिंग लॉन्गिंग मतलब जो इच्छा होती है जो प्यार करते हैं एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एबसेंस वो प्रकट न करने वाली उदासीनता जो होती है जो कि किसी की याद में होती है ड्यूरिंग एबसेंस अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर एक अकेले चुपचाप बिना आवाज़ जो अंदर से एक दिल से जो आवाज़ आती है माँ के लिए लाइक द लाविंग ऑफ काफ इन द ट्वाइलाइट जैसे कि एक बछड़ा जो है अपनी माँ के लिए रंभाता है गोधुली के वक्त दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टेंट एजिटेटेड द शाई नर्वस लीन एन अगली बॉय और ये जो प्यार था मतलब जो इसकी इच्छा थी कि मैं अपने घर जाऊँ अपनी माँ के साथ रहूँ उसे सब की याद आती थी तो ये लगभग जानवर की जैसी प्रवृत्ति के किस्म की बन गई थी कि कैसे एक जानवर दूसरे जानवर के साथ रहना चाहता है खुले में घूमना चाहता है इत्यादि तो और ये जो चीज़ें थी जो इसे बार बार याद आती थी उसने इस शर्मीले डरे हुए पतले और ये जो अनकाउथ मतलब जो गवार जिसे कहते हैं एन अगली बॉय जो देखने में, में अच्छा नहीं था इस लड़के को एजिटेटेड को बहुत ही उत्तेजित कर दिया था मतलब इसे ये चीज़ें बार बार होने लगी थी ये उत्तेजित हो जाता था हमेशा सोचता रहता था इनके बारे में नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली अब दूसरा कोई नहीं समझ सकता था क्योंकि इसके ऊपर बीत रही थी और ये जो चीजें थी प्रेड अपॉन हिज माइंड मतलब इसके ऊपर हावी होने लगी प्रेड और ये जो दौर है जो क्रम है ऐसा होने का ये हमेशा जारी रहा देर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल फाटिक के जितना कमजोर विद्यार्थी पूरे स्कूल में नहीं था गेट एंड रिमेन साइलेंट वेन द टीचर आस्ट हिम क्वेश्चन जब टीचर उससे कोई प्रश्न पूछता था तो उसका जो मुंह है वो मतलब उसे पता नहीं होता था कि वो क्या बोले वो खुला का खुला रह जाता था एंड लाइक एन ओवरलेट एन आस पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक और जैसे कि एक गधा होता है जिसने बहुत सारा सामान उठाया हुआ होता है उस गधे की तरह वो बहुत ही शांति प्रिय तरीके से उसके ऊपर जो भी चाबुक पड़ते थे मतलब उसको जो ताने फटकारे जो भी मिलती थी वो एक गधे जैसे गधा अपनी बैक पे ये सारी चीज़ें ले लेता है जो चाबुक होते हैं ये जो पिटाई होती है वो ले लेता है उसी तरह वो भी इन चीज़ों को सहन कर जाता है वेन अदर बॉयज व आउट एट प्ले ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो एंड गेस्ट एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज और जब दूसरे लड़के खेल रहे होते थे छुट्टी के समय में स्कूल की छुट्टी के समय में तो वो खिड़की से बाहर ताकता था उन घरों को जो दूर बने हुए थे

और एक दिन उसने क्या किया कि उसका जितना भी जितनी भी हिम्मत थी उसकी उसने सबको इकट्ठा किया और वो अपने मामा से बोला मामा हम घर कब जा रहे हैं हिज अंकल answered, वेट टिल द हॉलीडेज कम तो मामा ने कहा जब तक छुट्टियाँ नहीं आती तब तक इंतजार करो बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवम्बर लेकिन नवंबर में छुट्टियाँ होती हैं और जो काफ़ी दूर था एंड देयर वॉज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट और इसलिए नवंबर आने में अभी बहुत वक्त बाकी था वन डे फास्टिक लॉस्ट इज लेसन बुक और एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो किताब थी स्कूल की उसने वो खो दी इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इन डी टू प्रिपेयर हिज लेसन नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल और जब उसके पास किताबें होती थी तब तो उसे जो है पाठ याद करने में परेशानी होती थी अब तो ये बिना किताब के और भी मुश्किल हो गई थी उसके लिए डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली केन कहते हैं जो बेंत होती है और अनमर्सीफुली हो गया आपको बिना किसी दया के तो हर दिन उसे टीचर की मार पड़ती थी बेंत से हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जैक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजन्स वर अशेम्ड टू ऑन हिम और उसकी जो अवस्था थी वो इतनी हतोत्साही हतोत्साहीब्जैक्टली इतनी मतलब दया वाली हो गई थी जिसमें होप ही नहीं होती ना वो उस तरह से कि उसके जो अपने भाई थे मतलब जो मामा के लड़के थे उन्हें भी शर्म आती थी ये कहने में कि ये हमारा भाई है दे बिगेन टू जीव एंड हिम मोर देन अदर बॉयज और होते होते क्या होने लग गया कि वो भी जीर उसका मजाक उड़ाने लगे इंसल्ट उसका अपमान करने लगे और वो दूसरे लड़कों से उसे ज्यादा छेड़ते थे उसे ज्यादा तंग करते थे ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लास्ट हिज बुक और अंतिम में उसने क्या किया कि उसने अपनी मामी से जाके बोल दिया कि उसकी किताब खो गई है लिप्स इन कंथेम्प्ट एंड सैड यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट उसकी मामी ने अपने जो लिप्स थे अपने जो होट थे उसे मतलब कंथेम्प्ट बहुत ही तिरस्कृत अवस्था में उसने सिकोड़ा और बोली तू इतना बड़ा बेढंगा गांव का गवार हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माय फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स फाइव टाइम्स अ मंथ जो मेरा परिवार है उसमें मैं तुझे महीने में पांच बार कैसे किताबें लेके दे सकती हूँ दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फेटिक हैड अ बैड हेडेक विद अ फिट ऑफ शिवरिंग और उस रात जब वो घर आ रहा था स्कूल से उसे सर हुआ और थोड़ी कपकपी भी उसको होने लग गई फिट ऑफ शिवरिंग ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर उसे लगा कि उसे मलेरिया होने वाला है हीज़ वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी न्यू सेंस टू हिज आंट लेकिन उसको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर वो बीमार हो जाता है तो वो अपनी मामी के लिए एक बहुत बड़ा कष्ट साबित होगा मतलब उसे बच्चे में इतना इतनी सोच आ गई थी बच्चे में इतना डर बैठ गया था इतना हतोत्साही हो गया था वो कि उसे लगता था अगर मैं बीमार हुआ तो वो भी मेरी गलती होगी और इससे क्या होगा कि मुझे और डांट पड़ेगी और मुझे पसंद नहीं किया जाए द नेक्स्ट मॉर्निंग फाटीक वॉज नो वेयर टू बी सेन दूसरे दिन फटीक कहीं नहीं मिला ओल सर्च इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ तो जितनी भी खोजें हुई नेबरहुड में, में मतलब पड़ोस में वो कोई काम के नहीं निकले द रेन हैड बीन पोरिंग इन ऑल नाइट एंड दोज गॉट ड्रेंस्ड थ्रू टू द स्किन और बरसात काफी हो रही थी और मतलब बरसात इतनी हो गई थी कि बाढ़ होने लग गई थी चारों तरफ और जो भी उसके लिए निकले उसे ढूंढने के लिए पूरी तरह से भीख कर आए एट लास्ट विसम्बर आस्ट हेल्प फ्रॉम द पुलिस और बाद में क्या हुआ कि विशंबर जो उसका मामा था उसने पुलिस से हेल्प ली

वेक थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट वो पूरी तरह से भीगा हुआ था सिर से पाँव तक मधी ओल ऑक् उसके सारे शरीर में मिट्टी लगी हुई थी फेस एंड आईज फ्लस्ट वेड विद फीवर उसकी जो आंखें थी और जो उसका चेहरा था उसमें से फीवर बीमारी झलक रही थी एंड हिज लिम्स ओल ट्रैम्बलिंग और उसके जितने भी अंग थे वो कप कपा रहे थे ट्रैमलिंग

तो जोर से बोला मामा मैं तो घर ही जा रहा था लेकिन ये मुझे फिर वापस पकड़ के ले fever rose रोज वेरी हाई एंड that नाइट द बॉय वॉज delirious। और जो क्या हुआ कि जो बुखार था वो बढ़ता ही गया और सारी रात जो है वो जो लड़का था मतलब फटीक था वो बेसुद रहा डिलीवरियस दिसंबर ब्रोट इन ए डॉक्टर और जो दिसम्बर है फिर बाद में एक डॉक्टर लेके आया फटीक हॉलीडेज होम फटीक अपने अपनी आंखें खोली जो कि बुखार से तपी पड़ी थी उसने छत की तरफ देखा सीलिंग की तरफ देखा और बहुत ही रिक्तता या खालीपन से उसने कहा अंकल मामा छुट्टियाँ आ गई क्या क्या मैं घर जा सकता हूँ? हूं दिसंबर वाइप्ड tears from his own eyes and took fatigue's lean and burning hands in his own and sat by him through the night दिसंबर तो ने अपनी आंखें पोछी जो उसमें आंसू आ गए थे और उसने फिर फटीग का हाथ अपने हाथ में लिया वो हाथ काफी तपे हुए थे और उसके साथ वो सारी रात वहाँ बैठा रहा द बॉय बिगन अगेन टू मटर मटर का मतलब बुदबुदाना तो उसके बाद जो लड़का था उसने फिर बुदबुदाना शुरू किया एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड और बाद में उसकी आवाज़ में थोड़ा एक्साइटमेंट आ गई थोड़ा वो उत्तेजित हो गया मदर ही क्राइड डोंट बीट मी लाइक दैट मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ माँ मुझे मत मारो माँ मैं तुम्हें सत्य बोल रहा हूँ तो जैसा कि आपने देखा वो बुखार से तपा पड़ा है और उसे उसे सुध नहीं है वो क्या है तो इसी बेसुद में वो अपनी माँ को देख रहा है और उससे वो विनती कर रहा है कि माँ देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा ये उस घटना की बात है जिस घटना में उसका जो भाई था माखन उसने जाके शिकायत की थी मतलब माँ से कि इसने मुझे मारा है और वही जो सिनारियो है वही जो दृश्य है उसकी आंखों के सामने आ रहा है वो अपनी माँ से विनती कर रहा है कि माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया द नेक्स्ट डे अचीक बिकेम कॉन्शियस फॉर शोट टाइम दूसरे दिन उसे थोड़ा सा होश आया कॉन्शियस He turned his eyes about the room. उसने कमरे की चारों ओर देखा as if expecting someone to come. ऐसे ऐसे देखा जैसे उसे किसी की आने का इंतजार हो. At last with an air of disappointment, his head sank back on the pillar. वो देखता चारों तरफ और जब देखता है कि जो वो चाहता है जो आए वो नहीं आया हुआ तो उसका जो सर है फिर उदासी से तकी में धस जाता है. He turned his face to the wall with a deep sigh. उसके बाद वो दीवार की तरफ गहरी सांस लेके पलट जाता है दिसंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड व्हिस्पर्ड जो दिसंबर था उसका मामा वो उसकी विचार को पढ़ सकता था और वो जो है झुकता है उसके सर के पास और और धीरे से कहता है व्हिस्पर्ड फेटिक आई हैव सेंट फॉर यू मदर फेटिक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाने भेज दिया है द डे वेंट बाय वो दिन ऐसे गुजरा द डॉक्टर सेट इन ट्रॉइस कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल और जो डॉक्टर जो आता है फिर उसे देखने के लिए वो काफ़ी परेशानी की आवाज में उसे कहता है कि जो लड़के की हालत है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है फाथिक बिगेन टू तो क्राया बाय द मार्क थ्री फैदम्स बाय द मार्क फोर फैदम्स बाय द मार्क ही हैड हार दिलर ऑन द रिवर स्टीमर कोलिंग आर द मार्क ऑन द्लम लाइन ये जो बाय द मार्क जो कह रहा है जो फाटिक जो है वो चिलाने लगता है बाय द मार्क तो ये ये रहा आता है उसे शुद्ध होती नहीं है तो उसे जो चीज़ें घर की याद आ रही होती है जो भी चीज़ें होती हैं जो फ्लैश में उसके दिमाग में आ रही होती है उस समय तो उन्हीं में से ये एक बात है तो ये जो बाय द मार्क वन फैदम टू फैदम्स थ्री फैदम्स फैदम एक आपकी लेंथ होती है और ये लेंथ होती है सिक्स फीट फीट के बराबर एक फैदम होता है और ये ज्यादातर जो नाविक होते हैं वो पानी की गहराई या पानी की गहराई नापने के लिए इस फैदम यूनिट का यूज होता है तो उसने ये सुन रखा था ही द सैलर ऑन द रिवर स्टीम स्टीमर कोलिंग मार्क ऑन द्लम लाइन तो जो स्टीमर पे जो नाविक होते हैं वो ऐसा कहते हुए जाते हैं तो ये उसे याद होता है वो प्लम लाइन कहते हैं आ, ये प्लम हो गया एक आपने देखा होगा जब आ, अभी तो पता नहीं लेकिन जब घर बन रहे होते हैं तो जो मिस्त्री होते हैं वो ईंटों की जो लंबाई या चौड़ाई जो भी है या जो मतलब दीवार जितनी बन चुकी है वो ठीक लाइन में स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है तो उस पर एक सुतली सी बंदी होती है एक नीचे एक, एक मेटल का एक पीस होता है जो थोड़ा नुकीला होता है और ऊपर से कोनल होता है वो कोन की तरह होता है तो उसे लड़का हैं तो पलम उसी को बोला जाता है तो फटीक ने ये बातें सुन रखी होती हैं तो वो उन्हीं बातों के फ्लैशबैक में जा रहा है उन्हीं बातों को वो दोहरा रहा है कभी उसे माँ की याद आती है माँ से कही हुई चीज़ें याद आती हैं कभी वो स्टीमर पर जो नाविक होते हैं वो जा रहे होते हैं और वो जाते हुए जो चीज़ें कहते हैं उसे वो ही याद आती है नाव ही वज इम सेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफेदमेबल से और अभी जो उसकी हालत है वो खुद एक ही अथाह सागर की गहराई नापने की कोशिश कर रहा है मतलब जिस बुखार में वो डूबा हुआ है उसकी गहराई कितनी है या जिस अवस्था में है वो उसकी गहराई कितनी है ये पता लगाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है लेटर इन द डे फटीक मदर बस्ट इन टू द रूम लाइक ए वर्ल्ड विंड एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस वर्ल्ड विंड कहते हैं चक्रवात को जो घूमता हुआ आपने देखा होगा जो तूफान की तरह होता है जो चीज़ों को उड़ा के ले जाता है वर्ल्ड विंड तो बाद में क्या होता है कि जो फटीक की माँ होती है वो आ जाती है और वो मतलब रूम में बहुत तेज़ी से अंदर आती है और जब वो देखती है अपने बच्चे की हालत तो वो कमरे की एक तरफ से दूसरी तरफ चलना अपने को फेंकना शुरू कर देती है और मतलब उसके बाद में विलाप करती है बहुत ही ऊंची आवाज़ में विशंबर ट्राई टू तो काम हर एजिटेशन विशंबर उसका जो उन्माद होता है उसको शांत करने की कोशिश करता है बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्रायड वो अपने आप को बिस्तर पे गिरा देती है और चिल्लाती है फटीक माई डार्लिंग डार्लिंग फटीक मोमेंट और ये सुनने के बाद होता है वो वो जो इधर से उधर वो मचल रहा होता है बिस्तर पे वो मूवमेंट उसकी बंद हो जाती है हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन ही सेड ए तो उसके जो हाथ होते हैं वो ऊपर नीचे जो है मार रहे होते हैं बेसुद की हालत में होता है तो फिर वो कहता है हाँ द मदर क्राइड अगेन फटीक माई डार्लिंग माई डार्लिंग तो उसकी जो माँ होती है वो फिर कहती है फटीक मेरा बच्चा मेरा बच्चा फटीक वेरी स्लोली टर्न इज हैड एंड विदाउट सींग एनी बॉडी सैड मदर द हॉलीडेज हैव कम और फटीक जो होता है वो बहुत ही धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ता है और किसी और को देखे बिना कहता है कि माँ छुट्टियाँ आ गई हैं तो देखा आपने कि कैसे वो बेसुध में है लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसकी माँ आ गई है और उसकी माँ आने से उसे लगता है कि माँ इसलिए आई है क्योंकि छुट्टियाँ आ गई हैं और अब वो घर जा सकेगा तो दोस्तों ये था इस कथा का समापन जैसा कि आपने देखा कि कथा के अंत में थोड़ी सैडनेस है क्योंकि जो फाटिक है वो बेसुध है वो कॉन्शसलेस है उसको अभी पता नहीं वो कहाँ पे है तो उसे ये भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है वो कभी चिल्लाता है अपने हाथ पैरों को मार रहा है और उसकी माँ वहाँ आई हुई है लेकिन इस बेसुदी की हालत में भी वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेता है और उसे इस बात का भी भरोसा है क्योंकि अब माँ आई है तो वो घर जा सकेगा और माँ शायद इसलिए आई है क्योंकि अब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं ऐसा उसे लगता है ऐसा उसे लगता है उसे ये नहीं पता कि वो कितना बीमार है उसे ये नहीं पता कि माँ उसके लिए कितनी चिंतित है लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है क्योंकि माँ आई है तो अब वो घर जा सकेगा तो दोस्तों ये था इस कथा का अंत और होपफुली आपको इस कहानी को समझने में थोड़ी आसानी हुई हो अपने कमेंट्स अपने विचार हमें ज़रूर दें और एक नई रचना के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी तो तब तक के लिए गुड बाय